दुर्ग में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्य कर रही सोशल मीडिया में बयानबाजी देने के आरोप में मिले नोटिस पर छाया बवाल। इधर अध्यक्ष ने किया इनकार तो वहीं शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी ने शहर अध्यक्ष पर गुमराह किए जाने का आरोप लगाया। दुर्ग शहर में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा और साथ ही तैयारियों पर कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत हुई और बैठकों में उठे मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्य किए गए निष्कासन की कार्रवाई कराए जाने का कई बार मामला उठा। इसके बाद मदन जैन सहित अन्य लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिससे नाराज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन जैन ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि मैं काफी समय से इनके साथ कार्य कर रहा हूं, मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं, ये उन्हीं के साइन है जो मुझे मोबाइल के माध्यम से नजर आए। इस मामले में शहर अध्यक्ष गया पटेल ने इन सब बातों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया है, साथ ही कहा कि इसकी शिकायत थाने में किए जाने की बात कही। देखिए इस संबंध में दोनों की अपनी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। मेरे को गया पटेल जी का व्हाट्सएप में नोटिस मिला है, कोई लिखित नोटिस मेरे पास नहीं आया है। मैंने गया पटेल जी को फोन किया कि माननीय आप अपने अधिकार क्षेत्र को जानिए, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ, आप मेरे को नोटिस दे ही नहीं सकते, मेरे को नोटिस देगी तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी देगी। उन्होंने कहा मैंने कोई नोटिस दिया ही नहीं है, वार्ता में गलत छापा जिसने डाला गलत, जबकि मैं 78 से गया पटेल जी के साथ पार्षद रहा हूँ, उनका हस्ताक्षर जानता हूँ, हस्ताक्षर उन्हीं के नहीं, समझ के बाहर है ये लोग। आज दुर्ग शहर में मेरे जैसा पुराना कांग्रेसी कोई नहीं है, मेरी कांग्रेस की 57-53 साल की है, मैंने कांग्रेस के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। कांग्रेस जो बोरा जी के खिलाफ खड़े होते उनसे मैंने प्रत्यक्ष लड़ा, लेकिन चंद बहकावे में आकर जिनकी कोई जिनकी उम्र नहीं है मेरे कांग्रेस की सदस्यता की, वो लोग मेरी शिकायत कर रहे हैं। मैं अपना मुंह खोल के और उनका नाम लेके अपना मुंह गंदा करना नहीं। जब मीडिया ने पटेल जी से बात की, हस्ताक्षर भी उसी का है, लेटर भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी का है, नहीं का सवाल ही नहीं है। ये तो ऊपर से इनको बत्ती पड़ी करके चुप बैठे, झूठ बोले, झूठ एकदम झूठ बोले। भैया मैं क्या बताऊंगा उसमें, मेरे बताने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मैंने जारी किया ही नहीं है तो उसमें मामले में मैं क्या बता सकता हूँ। मैं अब कर रहा हूँ रेफर, आज करूँगा, चार दिन हो गए ये घूम रहे खबर, आज कर रहा हूँ, आज करेंगे। सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।